हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम चैनल में। मैं आदित्य राज प्रजापति आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल से जितने भी कमेंट आए हैं उस कमेंट पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं कमेंट इंद्रानी कुमारी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्होंने कमेंट किए हुए हमारे चैनल पर। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो फिजिकल की बारी होती है कब और कैसे, इसके बारे में जानना है। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हैं जो बेरोजगारी से क्या करें, जूझ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम तो बात करेंगे, लेकिन आपको मैं बताने वाला बिहार पुलिस कांस्टेबल से आया जितने भी कमेंट है टोटल कमेंट भी दिखाऊंगा और साथ साथ बताऊंगा कि एक बिहार पुलिस दैट मीन्स एक पुलिस का फर्ज क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है। इस वीडियो को अंत तक आप बने रहेंगे और साथ साथ आज हम बताएंगे कमेंट और फिजिकल के नए अपडेट के साथ। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं, दैट मीन्स गवर्नमेंट के बारे में बता रहे हैं। आइए बात करते हैं दीपक कुमार। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कमेंट किए हुए हैं कि सरकार खेल बना के रख दिया है, पहले कोरोना उसके बाद ट्रेन, अब नया बहाना क्या बचे से इतना खेल होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बताना चाहते हैं इन्होंने दीपक कुमार कमेंट किए हैं कि पहले कोरोना की वजह से हम लोग परेशान हुए, फिर ट्रेन बंद हुआ, उसके बाद अब फिजिकल कब होगा, इस मैटर पर हम बात करें। फिर उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि अगर पीईटी नहीं होगा तो इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया कमेंट किए हैं दीपक कुमार। बताना चाहते हैं कि अगर फिजिकल नहीं होगा तो इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, फिजिकल और इलेक्शन की बराबरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 100% दीपक कुमार का बात सही है। चलिए नेक्स्ट दिखाना चाहते हैं नेहा कुमार कमेंट की, कब होगा सर फिजिकल? फिर आप देख सकते हैं सरकार करप्टेड हो गई। जी हाँ दोस्तों, राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि सरकार करप्टेड हो गई है। देखिए सरकार करप्टेड हुई या नहीं हुई इस मैटर पर हम बात करेंगे, लेकिन हम दिखाएंगे आज कमेंट और कमेंट में सभी बच्चों को बताएंगे पुलिस का फर्ज क्या होता है, कब होगा फिजिकल। जी हाँ दोस्तों, निधि सिंह राठौर ने कमेंट किया है कब होगा फिजिकल, इस मैटर को हम भी दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट की बारी है, देखते हैं नेक्स्ट कमेंट किनका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया कमेंट है। देखिए अब बात करते हैं ऋषभ पासवान। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पासवान ने कहे कि नीतीश सिर्फ वैकेंसी निकालता है, किसी को भी फाइनल नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो हैं कमेंट करें, रिक्वेस्ट करें हमारी गवर्नमेंट से कि आप क्या कीजिए कि आप जो भी वैकेंसी निकाले हैं सबसे पहले उसको क्या करना, उसका आप डिटेल दैट मीन्स उस वैकेंसी को पूरा कीजिए। अगर वैकेंसी का पूरा हो जाता है दैट मीन्स वह स्टूडेंट सिलेक्शन होने के बाद अपने जॉब पोस्टिंग पर चला जाता है, उसके बाद आप नेक्स्ट वैकेंसी निकाले तो ही बेहतर होगा। यह हमारे ऋषभ पासवान का कहना है। इंद्रानी कुमारी करे कि हेल्प अस प्लीज डेट अनाउंस। जी हाँ दोस्तों, वो कह रही है कि हम लोगों को हेल्प कीजिए और हेल्प करने के बाद आप डेट अनाउंस कर दीजिए कि फिजिकल कब होगा, जिस तरह आपने नीट और जेई के भी बारे में बताया गया था, ठीक है, साथ साथ उस कंडीशन में बताया गया कि रेलवे का एग्जाम कब होगा, ठीक उसी तरह बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल का डेट अनाउंस कर दे। अभी आपका बीएड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, रनिंग करते करते स्टूडेंट मर जाएंगे, इनका कहना है। जी हाँ दोस्तों, इंद्रानी कुमारी का कहना है कि रनिंग करते करते स्टूडेंट जो होंगे मर जाएंगे। कितना दिन तक रनिंग करें, कोई इसके बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगता है रनिंग करते हैं अब स्टॉप हो गए, चलो कभी होगा तो दौड़ेंगे, उस तरह से उनका प्रैक्टिस भी रुद हो जाएगा। करें कि आगे गवर्नमेंट की नीट हंगामा के बाद ही खुलेगी, ऐसे डेट अनाउंस नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बहुत बढ़िया कमेंट किए हैं कि अब हमें हंगामा करना है। जी हाँ दोस्तों, आप एक यूनिटी बनाइए और आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पर वीडियो अपलोड करूंगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँ और उनके कमेंट को दिखा पाऊँ, ताकि हमारे गवर्नमेंट को लगे कि जी हाँ अब क्या होना चाहिए, फिजिकल का डेट अनाउंस कर देना चाहिए, जिस तरह सभी चीज़ का डेट अनाउंस हो। देखिए अरुण पाल सर, क्या ऐसा करें 2020 में पीटी कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा? जी हाँ दोस्तों, अरुण पाल का कहना है कि क्या 2020 में फिजिकल कंप्लीट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस मैटर हम बात करेंगे वीडियो के अंत में। मिंता कुमारी करिए सर, क्या कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा हो रागा है सब कुछ के लिए, कोरोना नहीं है? जी हाँ दोस्तों, दो चीज़ के लिए कोरोना अभी तक दिखाई दे रही है, एजुकेशन के लिए और साथ साथ बिहार पुलिस फिजिकल के लिए, बाकी किसी भी चीज़ के लिए कोरोना नहीं है सर, क्या कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इस मैटर पर मिंता कुमारी क्या, फिर पिंकी कुमारी करिए पहले फिजिकल करो सरकार, उसके बाद कोई और वैकेंसी निकालेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया कमेंट है पिंकी कुमारी का। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फिजिकल करना चाहिए, उसके बाद नए वैकेंसी के बारे में बताना चाहिए। और अमित कुमार का संकेत है जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद हमारे तरफ से, और उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत हम करते हैं जिन्होंने कमेंट किए हुए। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट सब लोग कमेंट करें, ताकि आपके हर कमेंट पर मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। और एक मैं गुजारिश करूँगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है फिजिकल डेट इशू कर दे, क्योंकि COVID-19 को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान हो चुके हैं, ठीक है। तो अब COVID-19 दो चीज़ के लिए सिर्फ है बाबू, याद रखेंगे एजुकेशन के लिए और बिहार पुलिस फिजिकल के लिए, तो फिजिकल का डेट अनाउंस होना ही चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि 2020 में बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल डेट अनाउंस नहीं होगा। सो प्लीज़ 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 माई डियर गवर्नमेंट, माई डियर स्टूडेंट्स, वी शुड हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड वी शुड हैव टू शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ 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 कमेंट दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी माई डियर स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।